के खिलाफ आप FIR करें। आज उसके साथ में ही अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया। केस तो कोर्ट में चल रहा है, जमानत पे आए हुए हैं कन्हैया कुमार। आप देखिए, जेल से आने वाला क्या हमारे हमारे देश पे राज करेगा? पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अब स्वयं भ्रष्टाचारी हो गए। चोर चोर मौसेरे भाई। जैसे हर तरह के लोग, महिलाएं, पुरुष अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी क्या कहेंगे, मोदी जी उनसे क्या वादा करेंगे। और हम यहाँ पहुँचे हैं इसलिए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने किन मुद्दों के लिए यहाँ आए हैं, मोदी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, मनोज तिवारी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, मनोज तिवारी को क्यों चुनना चाहते हैं, या यदि मनोज तिवारी के खिलाफ कुछ है तो क्या मामले हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ रैलियों में पहुँच रहे हैं, और किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी। माननीय नरेश कुमार जी के साथ में है, इसमें जिला नवीन शाहदरा में सह संयोजक हूँ। क्या लगता है कौन जीत रहा है जी? क्या लगता है? मनोज तिवारी जी जीत रहे। कन्हैया कुमार भैया, कन्हैया कुमार जिसने देश के टुकड़े टुकड़े नारे लगाए हो और जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा हो कोर्ट को कि इसके खिलाफ आप FIR करें, आज उसके साथ में ही अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले को हमारे यहाँ सीट पे उतारा। पब्लिक ज़्यादातर जो देखने के लिए आ रही है ना, न्यूज़ वाले दिखला रहे बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, वो पब्लिक जो देखने के लिए आ रही कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार कैसा है। तो आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया कन्हैया कुमार पे? क्यों नहीं? तो FIR तो दौरान हुई थी भाई साहब। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई पिछले 10 सालों में, अगर गलत किया है? नहीं तो वो तो करी तो थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं? उनको जेल क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई हुई तो इसके ऊपर क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? इसके खिलाफ FIR हुई थी, इसके खिलाफ था, एक जफर इस्लाम है उनके खिलाफ थी। तो क्यों नहीं जेल गए कन्हैया कुमार, कैसे बाहर गए? वो इसलिए जेल नहीं गया क्योंकि उसके ऊपर जब ऐसे ऐसे का सरगनों का हाथ है। किसका किसका हाथ है? सत्ता में तो आप है ना, आपका हाथ तो नहीं है सत्ता में? असल में ऐसे दरिंदों को है ना, हमारी पार्टी थोड़ी छोड़ देती है कि जब तेरा घड़ा भर जाएगा अपना आप फूट जाएगा। हम तिमारपुर विधानसभा। क्या लगता है कौन जीत रहा है? मोदी जी जीत रहे हैं, और कौन जीतेगा? मोदी जी जीत रहे हैं। हाँ, तो कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार तो कन्हैया कुमार है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में रहेंगे। आप लोग भी मानते हैं कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग? हाँ बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने क्या किया? मोदी जी ने एक बयान का, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये किसके बयान है? कन्हैया कुमार के, किसी और के? लेकिन वो तो कहने, वो तो गलत वीडियो था। गलत कैसे था? सबने सुना, हमने भी सुना। बीजेपी के लद्दाख के सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी ने कहा, अभी भी है वो सांसद, उनकी पत्नी ने कहा कि वो बयान गलत था, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। उसके ऊपर बयान दिला गया, बयान तो आवाज तो उसकी है, स्पीच चेक करा लो, आवाज तो उसी की है। वीडियो हो सकता है, फेक भी वीडियो हो सकता है। वीडियो कह सकता था उसके, मतलब टेस्ट करा लो, चेक करा लो, चेक सामने हुआ तभी तो फेक वीडियो आया, तभी उस पे कार्रवाई नहीं हुई। कानून कार्रवाई, केस तो कोर्ट में चल रहा है, जमानत पे आए हुए हैं कन्हैया कुमार जमानत पर नहीं है। जमानत पे है कन्हैया कुमार? जमानत पर है। और क्या, बेल पे है कन्हैया कुमार? कब बेल मिलेगी? जब ये हुआ था, जब बंद नहीं हुए थे वो, ये हो गया इनको। किस मामले में बंद हुआ था आपको पता है? वो इसी के, ये जो इन्होंने बयान दिए थे उसी में हुए थे? नहीं। और फिर कौन से? JNU में दूसरा कांड हुआ था, मारपीट कांड हुआ था, मारपीट कांड हुआ था, वो बात भी हुआ था मोदी के इलेक्शन जो, तो आपको लगता है इलेक्शन जीता हुआ है? जब भी तो 400 पार कांग्रेसियों के साथ तो केजरीवाल जी आ गए, देखे ऊपर कह के आए थे कि हम नहीं बनाएंगे सरकार, उनकी तो गोद में बैठे हैं केजरीवाल जी, और जो आ रहे हैं मोसेरे भाई हो गए। मोदी होता है तो आता है शेर आया, मोदी आता है तो आता है शेर आया, केजरीवाल आता है तो आता है चोर आया। उनको पता है कि गिरफ्तार बना दिया, आज इतने हाईवे बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतनी ट्रेन चल रही हैं। और सुनो ये राहुल, एक मिनट अच्छा नहीं, मकान किसके लिए बनाए? मकान किसके लिए बनाए? गरीबों के लिए। शौचालय किसके लिए बनाए? इन लोगों से पूछो, ये झाड़ू वाले टुकड़े गैंग के साथ देंगे, गैंग का साथ देंगे, ये ऐसे लोगों का साथ देंगे। देखिए अभी केजरीवाल जेल से आया है,
आप देखिए जेल से आने वाला क्या हमारे हमारे देश पे राज करेगा। कन्हैया एक मिनट जो कन्हैया कुमार लड़ रहा है उसने कहा था देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये उसके साथी है, देशद्रोहियों के साथी है क्या? अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादी मोदी जी ने 10 साल में कार्रवाई कर दी थी। कन्हैया कुमार ने जब ऐसा बोला तो कार्रवाई कर दो रे, कार्रवाई करते हैं। अब केजरीवाल पे हुआ देश की जनता ने उसे धिक्कारा, पूरे देश के युवाओं ने उसे धिक्कारा। जहाँ भी लड़ा है वो हार के आया, बिहार से लड़ा और यहाँ भी उसकी जमानत जब्त होनी है, यहाँ भी उसकी जमानत जब्त होनी है। और सुनिए, अरविंद केजरीवाल अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं, और वही अरविंद केजरीवाल जिसने आतंकवादी संगठन से चंदा लिया, वही अंदर अरविंद केजरीवाल जो एक समय कांग्रेस पार्टी को कहते थे ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई अरविंद केजरीवाल पे जो कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा, आज कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा। पहले वो भ्रष्टाचारी थे, अब स्वयं भ्रष्टाचारी हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों मिल गए, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन सारे जमानत पे छूटे हुए मुजरिम हैं।